ऐसा है, पंजाब की सरकार ने जो भी पंजाब का बेटा, वो चाहे पंजाब पुलिस में हो या सेना में जवान हो, अगर वो शहीद होता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। जो मामला इस समय पूरे देश में चर्चित है, अगर आप देखेंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का झूठ, संसद के अंदर बोला गया झूठ पूरे देश के सामने उजागर हो गया। शहीद अजय कुमार के परिवार को भगवंत मान जी की सरकार ने 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि उनके परिवार से मिलकर दी। उनकी बहन को नौकरी देने का आश्वासन दिया, जैसे उनकी बीए की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन केंद्र सरकार इंश्योरेंस के पैसे को ये कह रही है कि हमने उनको 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दी, वो पूरी तरीके से गलत जानकारी है। और अब वो भी उनके परिवार के बयान के बाद मोदी सरकार का झूठ सामने आ चुका है। ये शहीदों का सम्मान नहीं करते, ये सेना का सम्मान नहीं करते, ये भारत माता की रक्षा के साथ सौदा कर रहे हैं, देश की सेना को कमजोर कर रहे हैं। ठेके पे सेना नहीं रखी जा सकती, और अग्निवीर योजना ठेके पर सेना रखने की योजना है। 4 साल के ठेके पे आप सेना को रख रहे हैं। अगर ये इतनी अच्छी योजना है तो मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के मंत्रियों को, बीजेपी के सांसदों को, बीजेपी के विधायकों को, अपने बेटों को भी अग्निवीर बनाओ ना, तब पता चलेगा आपको। तो इसलिए भारत की सेना के साथ ये समझौता है, सुरक्षा है के साथ समझौता है, देश की सेना को कमजोर करने की कोशिश है। और ठेके पर सेना नहीं रखी जा सकती, ये आम आदमी पार्टी का स्टैंड है कि अग्निवीर योजना वापस ली जाए और जैसे सेना में पहले भर्ती होती थी वैसे ही भर्ती की जाए।